वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने कल आपको करवाया था डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में। तो जैसे मैंने आपसे कंसीडर किया था कि हम उसका मॉक टेस्ट रखेंगे, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा कर लिया है पार्ट्स में। तो आज हम इसके 95 क्वेश्चंस करेंगे, 95 कल करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। डी ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ द हाइपो जो है इज यूज्ड इन फोटोग्राफी टू। हाइपो एक सोल्यूशन होता है, क्यों यूज़ करते हैं? रिड्यूस करता है सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन टू मेटेलिक सिल्वर, कन्वर्ट मेटेलिक सिल्वर टू सिल्वर साल्ट, रिमूव द अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड एज सोलबल कम्प्लेक्स, रिमूव द रिड्यूस सिल्वर। तो हाइपो सोल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं? क्वेश्चन नंबर टू, ए मेटल विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अल्कली फॉर्म ए कंपाउंड एक्स, जो कि इससे रिड्यूस नहीं होती और कंपाउंड एक्स बनाती है। दिस कंपाउंड एक्स कैन बी यूज टू गिव द कम्प्लेक्स विच फाइंड इट्स एप्लीकेशन फॉर टोनिंग इन फोटोग्राफी। फिर इसको फोटोग्राफी में टोनिंग करिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, कौन सा मेटल है? गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, कॉपर, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ए ब्लू कलरेशन इज नॉट अबटेंड व्हेन। ब्लू कलरेशन कब नहीं आती? अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट विद पोटाशियम फेरोसाइनाइड, फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम फेरोसाइनाइड एंड हाइड्रस बाइट कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व इन वाटर। तो किस रिएक्शन में ब्लू कलर नहीं आता? क्वेश्चन नंबर फोर, सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व इन सोल्यूशन ऑफ अमोनिया बट नॉट इन वाटर, क्यों? अमोनिया इज बेटर सॉल्वेंट देन वाटर। सिल्वर आइन फॉर्म ए कम्प्लेक्स विद अमोनिया, अमोनिया इज ए स्ट्रॉगर बेस देन वाटर, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल हायर देन डैट ऑफ द अमोनिया। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रेपरेशन ऑफ लुकिंग मिरर इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ। मिरर को तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉलिश जो होता है, लेड नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड रेड लेड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, रेड लेड एंड HCHO, बताइए। क्वेश्चन नंबर फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय ट्रांजिशन मेटल लाइन विद अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे हाईएस्ट कौन सी शो की जाती है? 3D2, 3D5, 3D7, 3D9 ट्रांजिशन मेटल जो है। सेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट किसका है? कॉपर 2, निकल 2, कोबाल्ट 2, आयरन 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करने का मैंने फार्मूला बताया था। क्वेश्चन एट, स्कैंडियम 21, जिंक 30, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी कम है इनमें से? स्कैंडियम, मैगनीज, कॉपर, जिंक। नाइन नंबर, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या आता है? 39 से 48, इसमें 4D है, 57 टू 72, 85D है इसमें, 89, 104, 112, इनकम्प्लीट 6D, 21 टू 30 हैविंग 3D। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसका आंसर देने के कैपेबल हो, आपसे उम्मीद रखता हूँ। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टेंटलियम TA क्या है इसकी? 6s2, 5d1, 4f0, 6x2, 5d2, 4f12, 6s2, 5d3, 4f14, 6x2, 5d4, 4f14, बताइए। तो रिपीट कर लीजिए ये 10 क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए, थैंक यू। नेक्स्ट वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 11, कॉपर 2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर 1 ड्यू टू रिडक्शन पोटेंशियल विच इज ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या आएगा इसमें? लोअर लोअर, लोअर हायर, हायर हायर, हायर लोअर, ये करवा चुका हूँ मैं। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय ऑक्यूपाइंग वेकेंट स्पेस इन लैटिस बाय ऑल द स्मॉलर साइज आइटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्या है वो? मिश कंपाउंड, स्टिक्योमेट्रिक, स्पिनल, इंटरस्टिशियल, ये बता चुका हूँ आपको मैं। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज, किसका है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, निकल, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, वैनेडियम, निकल, कॉपर। नेक्स्ट वी हैव,
ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट विद हैलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू फॉर्म हलाइड। द रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसका? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन फ्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन फ्रोमीन आयोडीन ब्रोमीन इन लेसर सेंस बताइए। 15 द ट्रांजिशन मेटल आयन हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 5.92। तो कौन सा होगा? मैग्नीस 2 आयरन 2 मैनेडियम 2 कॉपर 2। 16 पोटाशियम साइनाइड को ऐड किया कॉपर सल्फेट में। सबिस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट कम्प्लेक्सिंग एजेंट ए जे कम्प्लेक्स बनता है। ऑल आर करेक्ट बताइए। ये रिएक्शन हमने की थी। 17 बिन पोटाशियम आयोडाइड एक्सेस में ऐड किया जाता है कॉपर सल्फेट में मरकरी क्लोराइड में लेड नाइट्रेट में। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? ए वाइट पीपीटी ऑफ कॉपर आयोडाइड इन आयोडाइड ऑरेंज पीपीटी ऑफ मरकरी आयोडाइड एंड येलो पीपीटी इन लेड आयोडाइड। वाइट पीपीटी कॉपर आयोडाइड ऑरेंज पीपीटी मरकरी आयोडाइड येलो पीपीटी लेड आयोडाइड। वाइट पीपीटी कॉपर आयोडाइड मरकरी आयोडाइड लेड आयोडाइड नॉन इज करेक्ट। तो बताइए इसमें से। क्वेश्चन नंबर 18 निकल टू ट्रेसिस कैन बी टेस्टेड यूजिंग। किस में यूज़ किया जा सकता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाइमिथाइल ग्लोक्साइन अमोनियम सल्फोसाइनाइड पोटाशियम फेरोसाइनाइड। 19 टाइटेनियम 2 इज पर्पल वाइल टाइटेनियम 4 कलरलेस। क्यों? देर इज नो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट टाइटेनियम 4। टाइटेनियम 2 हैज 3d2 कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम 4 हैव 3d2 configuration. Titanium 4 has very small cation when compared to titanium 2 and hence does not absorb any radiation. तो रिवाइज कर लीजिए इन क्वेश्चंस को द्वारा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। आयरन इज ऑब्टेन्ड ऑन कमर्शियल स्केल फ्रॉम आयरन ऑक्साइड बाय रिडक्शन विद अल्यूमिनियम कार्बन डाई मोनोऑक्साइड सोडियम हाइड्रोजन। विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? पिग आयरन कास्ट आयरन स्टील रॉट आयरन एंड हाइड्रस फेरिस क्लोराइड कैसे बनता है? डिजॉल्विंग फेरस हाइड्राइड इन कंसनट्रेटेड HCl, डिजॉल्विंग फेरस हाइड्रस इन डिल्यूट HCl, पासिंग ड्राई HCl ओवर हीटेड आयरन स्क्रैप, पासिंग क्लोराइड ड्राई क्लोरीन गैस ओवर हीटेड आयरन स्क्रैप। 23 Which of the following is the most impure form of iron? Besmer, steel, pig, wrought. सबसे impure कौन सा है? 24 Excess of Na2S2O3 react with copper sulfate क्या देता है? C2S2O3 sodium copper sulfur oxide complex sodium copper sulfur oxide 5 ये twice है। 25 ए कलरलेस सोल्यूशन कंटेन मेटल नाइट्रेट। ए लिटल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ऐड किया तो एक क्लाउडी वाइट पीपीटी बना। तो पीपीटी क्या होगा? लेड क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड मर्करी क्लोराइड एनी ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द स्टेबिलिटी ऑफ टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? टाइटेनियम 3 ग्रेटर देन 4 मैग्नीस 2 ग्रेटर देन 3 आयरन 2 ग्रेटर देन 4 3 कॉपर 1 ग्रेटर देन 2। मैग्नेटिक मोमेंट बोहर मैग्नेटोन आयरन 2 का क्या है? 0 अंडर रूट 35 अंडर रूट 24 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। 28 अमंग अस टाइटेनियम 6 नेगेटिव कार्बोनाइल 6 नेगेटिव कॉपर क्लोराइड निकल क्लोराइड। तो इसमें टाइटेनियम कोबाल्ट इनका एटॉमिक नंबर दिया गया है। कलरलेस स्पीसीज इनमें से कौन सी है? कोबाल्ट फ्लोराइड निकल क्लोराइड टाइटेनियम फ्लोराइड कोबाल्ट फ्लोराइड कॉपर क्लोराइड निकल क्लोराइड टाइटेनियम फ्लोराइड कॉपर क्लोराइड इन द आयनिक फॉर्म। तो इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो कलर इम्पार्ट नहीं करेगी? इन द एक्वा सोल्यूशन कॉपर 1 द साल्ट आर अनस्टेबल बिकॉज कॉपर 1 की 3d10 है। चेंज इन द फ्री एनर्जी ओवरऑल रिएक्शन 0। डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं कॉपर 2 में। दे आर डिस्प्रोपोर्शनेट इजनी टू कॉपर 2 एंड कॉपर 3। 30 इन कंटेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? ट्रांजिशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से
सही नहीं है, बताइए। इन एडिशन टू नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शोन बाय दीज एलिमेंट। इन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन मेटल हैज़ सो बेसिक करेक्टर फॉर्म कटाइनी कम्प्लेक्स। इन हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द फर्स्ट फाइव ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैंडियम टू मैगनीज ऑल 4s 3d इलेक्ट्रॉन यूज फॉर बॉन्डिंग। वंस द 3d फाइव कन्फिग्रेशन एक्सीडेड द टेंडेंसी टू इन्वॉल्व आर 3d इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इंक्रीज। तो ये हमने कर लिए यहाँ 30 तक। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व द हॉट कंसनट्रेटेड NaOH, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर। नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म ए वाटर सोलबल कम्प्लेक्स विद डिल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आयरन बिलोंग टू 3d ट्रांजिशन सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। आयरन बिलोंग टू एफ ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। आयरन बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आयरन बिलोंग टू ग्रुप्स 8 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। 33, 34। सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व इन अमोनिया सोल्यूशन गिविंग ए बी सी डी। जब सिल्वर क्लोराइड को अमोनिया में हम डिजॉल्व करते हैं तो कौन सा कम्प्लेक्स बनाता है। देखिए 34 को ध्यान से फोकस करिए। 35, कॉपर कैनोट रिप्लेस फ्रॉम सोल्यूशन। किसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सिल्वर, मरकरी, गोल्ड एंड आयरन। आर्टिकल्स मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज स्लोली टार्निश इन एयर एंड ग्रीन हो जाते हैं। ग्रीन कलर क्यों आ जाता है, क्या बन जाता है उनमें। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्सालेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। 35, सिल्वर नाइट्रेट इज यूजली सप्लाइड इन कलर्ड बॉटल बिकॉज इट्स। कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं। ऑक्साइड इन एयर, डिकम्पोज इन सनलाइट, एक्सप्लोड इन सनलाइट, एरेक्टेड वार्ड एयर इन सनलाइट, बताइए। 38, फिलोसफर्स बूल व्हेन हीटेड विद बेरियम ऑक्साइड एट 1100 सेंटीग्रेड क्या देती है। बेरियम जिंक ऑक्साइड, बेरियम प्लस जिंक ऑक्साइड, बेरियम कैडमियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एंड जिंक। स्कारलेट रेड पीपीटी इज अबटेन्ड ऑन ट्रीटिंग मरकरी क्लोराइड सोल्यूशन विद हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन में एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2। इन द सॉलिड स्टेट कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कोऑर्डिनेटेड विद 4 वाटर मॉलिक्यूल, 5 1 सल्फर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल। किसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है। द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें। आल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। आल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कलर। आल डी एफ एंड पी ब्लॉक आर पैरामैग्नेटिक। तो तीन कोटेशन आपने देख ली होंगी ध्यान से। तो देखिए इसमें से क्या बनता है आपका सही आंसर। वन ओनली, वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन टू थ्री, कौन सा सही है। 43, द करेक्ट जो ऑर्डर है एनर्जी का फॉर नेटिव साइन ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव क्रोमियम मैगनीज आयरन कॉपर नेगेटिव साइन के हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए। ए बी सी डी चार ऑप्शन ध्यान से देखिए। तो बताइए इसमें क्या ऑर्डर आता है एनर्जी का, जो रिडॉक्स पोटेंशियल है इसका। थैंक यू। ये क्वेश्चन 42 बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, 41 भी इम्पॉर्टेंट है और फिलोसफर्स बूल वाला भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव 44। वट इफेक्ट इज नोटिस्ड ऑन शेकिंग द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एन हाइड्रस कॉपर सल्फेट। बाइट सोलर डिजोल्व टू फॉर्म कलरलेस सोल्यूशन। बाइट सॉलिड डिजोल्व टू फॉर्म ग्रीन सोल्यूशन। बाइट सॉलिड टर्न ब्लू बट डज नॉट डिजोल्व। बाइट सॉलिड डिजोल्व टू फॉर्म ब्ल्यू सोल्यूशन। 45, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज इन फोटोग्राफी क्यों। रिड्यूसिंग बिहेवियर है, ऑक्सीडाइजिंग है, कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, रिएक्शन करता है लाइट के साथ। 46, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है इसकी। ए बी सी डी देख लीजिए। इसमें वनेडियम ऑक्साइड है, डाइक्रोमेट है, मैग्नेट है, पर मैग्नेट है। तो बताइए चार दिए हुए हैं, इनमें से ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या करेक्ट ऑर्डर है। 47, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ
फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट एंड क्रोम अलम इज़ हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम ऑक्साइड और फिल्टर किया, तो इसमें कौन सा मटेरियल आपको मिला फिल्ट्रेशन के बाद? कलरलेस फिल्ट्रेट एंड ग्रीन रेजिड्यू, येलो फिल्ट्रेट एंड ग्रीन रेजिड्यू, येलो फिल्ट्रेट एंड ब्राउन रेजिड्यू, ग्रीन फिल्ट्रेट एंड ब्राउन रेजिड्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 48, द केमिकल प्रोसेसेस इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हेमेटाइट आर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन। सिल्वर आयोडाइड यूज इन प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन, क्यों? ईजी टू स्प्रे एट हाई अल्टीट्यूड, ईजी टू सिंथेसाइज, हैज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर टू आइस, इनसॉल्युबल इन वाटर। 50, जिंक गिव हाइड्रोजन गैस विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl नॉट नाइट्रिक एसिड, क्यों? जिंक एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बीकर एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड HCl से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिंक अबव है हाइड्रोजन से। नाइट्रेट आयन जो है रिड्यूस इन प्रेफरेंस टू द हाइड्रोनियम आयन। तो बताइए क्या कारण है, यानी जिंक जो है हाइड्रोजन गैस देता है सल्फ्यूरिक एसिड से, HCl नॉट गिव नाइट्रिक एसिड से। 51, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम की, +2 +3 +3 +4 -3 -4 +2 +3 +4। 52, ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, निकल क्रोमेट स्टील, ब्रोट आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? कॉपर 2, निकल 2, कोबाल्ट 2, आयरन 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बता चुका हूँ आपको, कल डिस्कस किया था हमने, एंड यू कैन गिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, जिंक डज नॉट शो वेरिएबिलिटी बैलेंसी, क्यों? कंप्लीट डी सब सेल, अनर्ट पेयर इफेक्ट, 4s सब सेल, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर मर्करी? इट कैन इवॉल्व हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज़ मेटल, इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, इट इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। टाइटेनियम शो मैग्नेटिक मोमेंट, इसका है 1.73 बोहर मैग्नेटोन। वाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी? +1 +4 +3 +2। फार्मूला से इसको भी डिड्यूस कर सकते हैं, फार्मूला आपको आता ही होगा, कल मैंने बताया था आपको। एलिमेंट जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दी हुई है, एटॉमिक नंबर क्या होगा? 24, 23, 22, 21। बहुत आसान है, बहुत। आर्गन को देख लीजिए और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस कर दीजिए। अमंग द फॉलोइंग, कॉपर 2, टाइटेनियम 4, कोबाल्ट 2, आयरन 2। कलर्ड आयन कौन है? 1 2 3 1 3 4 2 2 1 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर? पायरोसोलाइट, मेलाचाइट, डाइसोपोर, कैस्टराइन। विच ऑफ फॉलोइंग सो हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? वेनेडियम 3, क्रोमियम 3, आयरन 3, कोबाल्ट 3। हो मैनी डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रोमियम 2? 4 5 6 3। विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर? जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज करेक्ट फॉर आयरन? 1 2 3 4। जो चारों देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आती होगी, एटॉमिक नंबर आपको पता हो तो आप इसका आंसर दे सकते हो। और आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल वगैरह डिटेल में करवाए हैं, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d सब सेल? आयरन 3, मैगनीज 2, क्रोमियम 1, टाइटेनियम 4। विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटल मेक मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट? ट्रांजिशन, अल्कली, अल्कलाइन मेटल, कलर्ड। किसमें अच्छा कम्प्लेक्स बनता है कैटलिस्ट? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट है लो मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट हैव कैटलिटिक एक्टिविटी, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हैव इनर्ट फेयर इफेक्ट। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन? मैगनीज 2, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 2, आयरन 2। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड? ए बी सी डी। किसका कलर्ड कम्प्लेक्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज विल इम्पार्ट कलर टू एक्वा सोल्यूशन? टाइटेनियम 4, कॉपर 1, जिंक 2, क्रोमियम 3। जिंक एंड मर्करी डू नॉट शो वेरिएबल बैलेंसी लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट, क्यों? दे आर सॉफ्ट, दे डी सेल कम्प्लीट, दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, द डी सेल इनकम्प्लीट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस इन वाटर? टाइटेनियम 3, वनेडियम 3, कॉपर 3, स्कैंडियम 3। अलॉय बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग मेटल स्केल, मीटर बनाने के लिए कौन सी अच्छी मेटल है? स्टेनलेस स्टील, इनवर एनालिको, टंगस्टन स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट है। 71, 72। इन द ग्राउंड स्टेट एन इलेक्ट्रॉन जो है 13 इलेक्ट्रॉन है एम शेल में, तो एलिमेंट क्या है? कॉपर, क्रोमियम, निकल, आयरन। 74। आयनिक रेडियस ग्रुप 12 का, जिंक, कैडमियम, मरकरी स्मॉलर देन डेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, टेन डी इलेक्ट्रॉन विच शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज पूरली, टेन डी इलेक्ट्रॉन विच शील्ड। सो बताइए आंसर 74 का क्या आंसर बनता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 75 ए नॉन कॉपर अलॉय है, कोल्ड सोल्डर, ब्रास, ब्रोंज, बेल मेटल। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज़ लोएस्ट डेंसिटी? कॉपर, निकल, स्कैंडियम, जिंक। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द डी ब्लॉक गो किस में जाता है? N-1d, Nd, Np, N-1s में। मरकरी स्टिक करती है सरफेस ऑफ ग्लास वेन इट कम इन कंटेक्ट विद? मरकरी ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ओजोन, ग्रीस। 79 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। एलिमेंट विच जनरली एग्जिबिट द मल्टीपल ऑक्सीजेशन स्टेट एंड आर आयन यूजली कलर्ड? मेटलॉइड, नॉन मेटल, ट्रांजिशन गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज लीस्ट आयनिक करेक्टर? फेरस क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। 81 द एटॉमिक नंबर ऑफ जो जेड है एटॉमिक नंबर एलिमेंट का 25 है, तो ग्राउंड स्टेट दे है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं एन शेल में? 13, 2, 15, 3। लास्ट पेज द ट्रांजिशन मेटल आर ओफन पैरामैग्नेटिक, क्यों? तो इससे क्या होता है? हाई मैग्नेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट? ग्रेफाइट, डायमंड, 22 कैरेट गोल्ड, रोम्बिक सल्फर। ग्रीन बेरीटोल क्या है? आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। जे प्रैक्टिकल फाइल में लिखा होता है बेरीटोल, आपको आता होगा ये। द ब्रॉट आयरन, पिग आयरन एंड स्टील डिफर इन प्रॉपर्टी ड्यू टू कार्बन कंटेंट, मेलाबिलिटी, कंडक्टिविटी, सॉफ्टनेस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कैसे है ये? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, गोल्ड, कॉपर। 87 द आयंस ऑफ मेटल ग्रुप 12 में जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इसमें कंप्लीट डी शेल है, तो बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर, दे आर हाई मेल्टिंग सॉलिड, डू नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन मेटल, बिहेव लाइक सेमी कंडक्टर। ये कल मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर चुका हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल अच्छे से सुना होगा तो आपको ये आंसर आता होगा, वहाँ से ही ये उठाया हुआ है। मेटल ग्रुप 12 की जो है सॉफ्टर है देन अदर ट्रांजिशन मेटल, क्यों? इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, एस एंड डी जो इलेक्ट्रॉन है टेक पार्ट इन मेटेलिक बॉन्डिंग, डी इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। 89 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है बोहर मैग्नेट्रॉन इन निकल 2 में कितना आएगा? 2.84, 4.90, 0.73। कॉपर एक्सट्रैक्ट कैसे होता है? कार्नेलाइट, डोलोमाइट, मेलेचाइट, ग्लीना, कहाँ से आता है? कंपाउंड डेट इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर कौन सा है? पोटाशियम डाइक्रोमेट, निकल टाइटेनियम क्लोराइड, ब्रेडियम ऑक्साइड, सल्फर टेट्राऑक्साइड, पोटाशियम कॉपर कार्बोनेट। अमंगस द फॉलोइंग द स्पीसीज विद एन एटम विद 6 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? MnO4 नेगेटिव, क्रोमियम, CN6 हेक्साटाइम, सी नेगेटिव, निकल, हेक्साफ्लोराइड 2 नेगेटिव, क्रोमेट, क्लोराइड। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज इन ऑर्डर डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी? जिंक, मरकरी, कैडमियम, कैडमियम, मरकरी, जिंक, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, जिंक, मरकरी, कैडमियम, जिंक। 94 नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड आर इन 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्डिंग इन फेरिक क्लोराइड, कोवलेंट, आयनी, कोऑर्डिनेट, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मॉक टेस्ट। क्वेश्चंस काफ़ी थे इसलिए मैंने कोशिश की थोड़ा जल्दी फिनिश करने की, एंड आई हैव गिवन यू मच टाइम एज मच पॉसिबल।
क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल ज़्यादा था, न्यूमेरिकल सेशन इतना ज़्यादा नहीं था इसका। और वो बात बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही आपकी, और कल हम इसके 95 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, बिकॉज इस सेट 190 क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट में कवर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ऐसे ही चैनल के साथ बन रही है फॉर मोर वंडरफुल वीडियोज़। थैंक यू।